नमस्कार किसान मित्रों, स्वागत है आपका अपने कृषि खेती यूट्यूब चैनल में। मैं हूं आपका एग्री डॉक्टर सुरेश किराल। किसान मित्रों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे हल्दी की वैज्ञानिक खेती कैसे करें, हल्दी के लिए आवश्यक जलवायु कौन सी है, हल्दी की अधिक पैदावार देने वाली उन्नत किस्में कौन सी हैं, जानेंगे इस वीडियो में। तो साथियों, वीडियो को पूरा देखें, और अगर आपने अब तक हमारे कृषि खेती यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर जरूर करें। किसान मित्रों, हल्दी के लिए आवश्यक जलवायु। हल्दी एक उष्णकटिबंधीय क्षेत्र की फसल है। हल्दी के अंकुरण के समय 30 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता रहती है तथा कल्ले निकलते समय 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान का होना जरूरी है। जब हल्दी में प्रकंद बन रहे हो उस समय 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान का रहना अच्छा माना गया है। हल्दी की मोटाई हेतु 18 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान अच्छा रहता है। बात करें मिट्टी की, तो वैसे तो हल्दी की खेती सभी प्रकार की मिट्टियों में कर सकते हैं, लेकिन अधिक पैदावार के लिए दोमट जलोढ़ मिट्टी जिसमें युवांश की पर्याप्त मात्रा हो हल्दी की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी है। बात करें उन्नत किस्मों की, तो साथियों हल्दी की अधिक पैदावार लेने के लिए हमेशा उन्नत किस्मों का ही चयन करें। सोनाली, यह 230 से 240 दिन में खुदाई योग्य होने वाली हल्दी की अच्छी वैरायटी है। इसकी पैदावार की बात करें तो यह 270 से 280 क्विंटल प्रति हेक्टेयर पैदावार देने की क्षमता रखती हैं। यह लगभग 23% हल्दी सूखी हल्दी देने की क्षमता रखती हैं। ओले रजिन लगभग 14% पाया जाता है सोनाली वैरायटी में। सुरमा वैरायटी, यह 250 दिन में खुदाई योग्य हो जाती हैं। वहीं पैदावार की बात करें तो 290 से 300 क्विंटल प्रति हेक्टेयर पैदावार देने की क्षमता रखती हैं सुरमा वैरायटी तथा इससे लगभग 24.8% सूखी हल्दी मिल जाती हैं। रोमा वैरायटी, यह 250 दिन में खुदाई योग्य हो जाती हैं तथा पैदावार की बात करें तो 250 से 260 क्विंटल प्रति हेक्टेयर पैदावार देने की क्षमता रखती हैं। किसान मित्रों, इसके अलावा पीताम्बरा, कस्तूरी आदि उन्नत किस्में हैं। इन वैरायटियों में से आप हल्दी की किस्मों का चयन करें और अधिक से अधिक पैदावार प्राप्त कर लेवे। अब बात करते हैं प्रकंद की मात्रा। किसान मित्रों, हल्दी का रोपण हमेशा प्रकंद राइजोम से ही होता है, इसलिए 20 से 25 क्विंटल प्रकंद प्रति हेक्टेयर की आवश्यकता होती है। प्रत्येक प्रकंद में कम से कम 2 से 3 आके होना जरूरी है। सीड ट्रीटमेंट, किसान मित्रों, प्रकंदों को लगाने से पूर्व 0.25 mg/45 के गोल में कम से कम 20 से 30 मिनट तक डुबोकर उपचारित करें, एवं कटे फटे और सूखे तथा रोगग्रस्त प्रकंदों को अलग कर लेवे। किसान मित्रों, ध्यान रखें कि प्रकंद समान आकार और समान वजनदार होना चाहिए। साथियों, मदर राइजोम को ही बीज के रूप में हमेशा प्रयोग करें। अब बात करते हैं सिंचाई की। किसान मित्रों, हल्दी की फसल में लगभग 20 से 25 सिंचाइयों की आवश्यकता होती है। गर्मी में 7 दिन में और सर्दियों में 15 से 20 दिन के अंतराल पर सिंचाई करें। खाद एवं उर्वरक, किसान मित्रों, हल्दी की खेती से अधिक पैदावार लेने के लिए संतुलित मात्रा में मिट्टी की जांच के आधार पर ही उर्वरकों का प्रयोग करें। इसके लिए अंतिम जुताई से पहले 20 से 25 टन अच्छी सड़ी हुई गोबर की खाद का प्रयोग करें और लगभग 140 से 150 किलो यूरिया, 60 से 80 किलो DAP तथा 130 से 150 किलो म्यूरेट ऑफ पोटाश का प्रयोग करें। इसके लिए फास्फोरस की पूरी मात्रा, पोटाश की आधी मात्रा को रोपण के समय भूमि में अच्छी तरह मिला लेवे तथा नाइट्रोजन की आधी मात्रा को लगाने के 45 दिन बाद तथा शेष नाइट्रोजन और शेष पोटाश की मात्रा को रोपण के लगभग 90 दिन बाद जब हम हल्दी की मिट्टी चढ़ाते हैं उस समय डालना चाहिए। किसान मित्रों, हल्दी रोपण के बाद हरी पत्तियां, सूखी घास कंदू के ऊपर डाल देवे अर्थात मल्चिंग अवश्य करें। हल्दी की फसल की खुदाई, साथियों हल्दी फसल खुदाई लगभग 7 से 10 महीने में की जाती हैं। प्राय जनवरी से मार्च के मध्य खुदाई कर लेते हैं। जब पत्तियां पीली पड़ जाएं तथा ऊपर से सूखना प्रारंभ हो जाए तब हल्दी की खुदाई कर लेनी चाहिए। बात करें पैदावार की, तो हल्दी से लगभग 300 से 320 क्विंटल प्रति हेक्टेयर पैदावार मिल जाती हैं। किसान मित्रों, अगर हम वैज्ञानिक खेती से करें, वैज्ञानिक तरीके से हल्दी की खेती करें तो लगभग इस पैदावार से भी अधिक पैदावार ले सकते हैं। साथियों, अगर आपने अब तक हमारे कृषि खेती यूट्यूब चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, जय किसान।